हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करेंगे कि डीएमआई एक एक्साई की इंडिकेटर है जिसके बारे में बात करें। डीएमआई जो है डायरेक्शनल मूवमेंट आपको देता है। आप इंडिकेटर को जाइए, इसमें आप डीएमआई लगाइए और डीएमआई आपको डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स आपको मिल जाएगा, जो अच्छा इंडिकेटर है। और उसको देखने का थोड़ा सा तरीका आपको ढूंढना पड़ेगा। और ये जो इंडिकेटर है बहुत अच्छा है, सीपीआर के साथ आप देखेंगे तो वो अच्छा है। कल मैंने एक ये वीडियो डाला था सीपीआर और एमटी मल्टी टाइम फ्रेम के साथ, उसको कैसे एडजस्टमेंट करना है। और आज अभी बात कर रहे हैं उसको, दोनों को कैसे मिलाकर देखेंगे, डीएमआई और सेंट्रल पिवट लाइन। तो बेसिकली जो डीएमआई होता है उसको आप देखिए, सेटिंग में जाइए, आपको एडीएक्स मिल जाएगा। एडीएक्स ऐसा एक इंडिकेटर है, फॉर्मेट है, जो आपको डायरेक्शनली आपको मूवमेंट के बारे में बताता है। तो आप उसको, ये जो टाइम फ्रेम है इसमें आपको चार्ट मिलेगा, तो ये चार्ट ऐसा आपको मिलेगा, तो आप जिस टाइम फ्रेम में देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। तो आपको क्या है ना, 15 मिनट टाइम फ्रेम के साथ आप देखना चाहते हैं और स्टडी करना चाहते हैं, तो आप इसमें क्या करना चाहिए ना, इसमें आप लगा दीजिए 30 मिनट, इंट्राडे बेसिस में 30 मिनट लगा दीजिए। तो आपको एक अच्छी तरह से आपको एक डिटेल्स मिल जाएगा, यानी आपको मूवमेंट के बारे में पता चल जाएगा 30 मिनट टाइम फ्रेम के साथ। तो आप इसमें ओके कर दीजिए। तो आप देखिए, यहाँ से आपको जब भी इस लाइन के ऊपर, यानी सेंट्रल पिवट लाइन के ऊपर मेंटेन हो रहा है, उस टाइम पर आपको क्या है ना, ये जो इंडिकेटर है डीएमआई इंडिकेटर, इसमें क्रॉस हो रहा है, इसमें आप देखिए क्या है ना, इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा एडीएक्स एंड डीआई प्लस डीआई माइनस। तो डीआई प्लस एंड डीआई माइनस आप अपनी तरीके से कलर को एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें क्रॉसिंग होगा तो आपको क्या है ना, ऑफसाइड में जाएगा, यानी ये देखिए माइनस ऊपर चला गया, प्लस नीचे आ गया, तो आप देखिए कैसे डाउनफॉल हुआ। तो आप देखिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर को मैं आपको ले देता हूँ, देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर इसमें आपको क्रॉस हो गया था यहाँ से, तो देखिए कितना मूवमेंट हुआ और ये कितना मूवमेंट हुआ और ये लाइन के ऊपर आपको मेंटेन हुआ। तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि आप कैसे एडजस्टमेंट करेंगे, देखने देखेंगे कि मूवमेंट आप देखेंगे। तो डीएमआई जो है, तो आप एक 30 मिनट या 1 आवर टाइम फ्रेम में आपको लगाएंगे तो अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो आप इसमें इनपुट को जाइए, तो आप इसको 1 आवर कर दीजिए। तो देखिए 1 आवर टाइम फ्रेम के साथ आप यहाँ पर क्रॉस किया और यहाँ पर आप देखिए कैसे मूवमेंट आपको देखने के लिए, ज्यादा से ज्यादा आपको क्या है 30 मिनट टाइम फ्रेम के साथ आप एडजस्ट करेंगे, तो आप 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखिए और 30 मिनट टाइम फ्रेम में एडजस्ट कीजिए, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और यहाँ से आप देखिए जो 1 आवर, ये 4 आवर का जो एडजस्टमेंट हुआ है, इसमें 4 आवर मैंने लगाया है, तो 4 आवर में आपको नैरो लाइन फॉर्मेशन होगा उसके ऊपर रहेगा, और जो टॉप सेंट्रल लाइन पिवट लाइन के ऊपर मेंटेन होगा, और आपको जो बॉटम सेंट्रल पिवट लाइन नीचे में रहेगा, तो मूवमेंट आपको पॉजिटिव साइड में दिखाता है। ऐसे जो इंडिकेटर के बारे में जो मैं आपको बोल रहा हूँ, तो आप किसी भी स्टॉक को लेकर देख सकते हैं। देखिए एचडीएफसी बैंक, आप देखिए यहाँ पर क्रॉस हो गया था, जो नेगेटिव साइड ज्यादा हो गया था, और आप देखिए यहाँ से जो टॉप का जो है वो देखिए प्रीवियस डे से ये मेंटेन हो रहा है। तो आपको क्या है ना, कंप्लीटली आपको दिखाई दे रहा है कि ये पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव साइड में जा रहा है। तो ऐसे किसी भी स्टॉक को आप स्टडी कीजिए और इस इंडिकेटर के साथ आप देखिए, तो आपको अच्छा रिजल्ट आपको देखेगा। और आप इसको अच्छी तरह से स्टडी करेंगे तो आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए ये जो आपको है, ये है आपका सीपीआर लाइन है, तो आप, मैं एसबीआई का दिखा रहा हूँ, एसबीआई आपका 20 पॉइंट आपको ऊपर गया था। देखिए ये जो मेंटेन हो रहा था, देखिए ये टॉप सेंट्रल पिवट लाइन ऊपर है और बॉटम सेंट्रल पिवट लाइन नीचे में है, तो ये जो आप देखिए जहां पर नैरो लाइन फॉर्मेशन हुआ वहां से मूवमेंट आया। और दूसरी बात है कि ये जो आपका लाइन है डीआई प्लस जो लाइन है ऊपर जा रहा है, देखिए ये जो डी आई प्लस है ग्रीन कलर का लाइन है, ब्लू कलर का लाइन है ऊपर है, और डी आई माइनस जो है वो नीचे में आपको मेंटेन हो रहा है। तो आप ऐसे ही आपको देखेंगे तो आपको क्या है ना, डायरेक्शनल मूवमेंट मिल जाएगा। 30 मिनट टाइम फ्रेम के साथ आप लगाएंगे तो जो कैंडल का मूवमेंट है तो आपको अच्छी तरह से पता चलेगा। तो आप ऐसे देखेंगे तो किसी स्टॉक को आप देखकर आपको पता लग जाएगा कि वो स्टॉक नेगेटिव साइड में जा रहा है ट्रेंड या पॉजिटिव साइड में जा रहा है। तो डीएमआई का मतलब होता है कि आप अच्छी तरह से डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स जो है उसको आप लगाने से आपका काफी सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है और डायरेक्शन के बारे में पता चलता है। थैंक यू सो मच।